हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप फेसबुक रील्स वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस में कैसे लगाए डायरेक्ट। दोस्तों हाँ गाइस, अगर आप भी अपने फेसबुक रील्स वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहते हैं डायरेक्ट, सिर्फ एक मिनट के अंदर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं, तो गाइस इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपना फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। गाइस देखते ही मैं अपना यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाना है। आपको यहाँ पे जो रील्स वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे स्क्रॉल करते करते यहाँ पे देखते हैं आपका जो रील्स वाला वीडियो आता है ऑप्शन आता है यहाँ पे शो कर जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं रील्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे कहाँ पे आता है। आपको यहाँ पे ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। आपको करना क्या है, ऊपर तरफ स्क्रॉल करना है। देखते हैं यहाँ पे मेरे में यहाँ पे रील्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आ गया। देखते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखते हैं रील्स एंड शॉर्ट वीडियो। आपको करना क्या है, आपको देखते हैं यहाँ बगल में करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको जो भी रील्स वीडियो पसंद आती है आपको उस पर क्लिक कर देना है और आपको म्यूजिक के साथ रखना है। म्यूजिक के साथ आपके व्हाट्सएप स्टेटस में लगेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको करना क्या है, कोई भी रील्स वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर चलिए मैं आपको वॉल्यूम को धीम कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ मैं अपने रील्स वाले वीडियो पर आ गया हूँ। अब गाइस यहाँ पे अगर देखेंगे स्क्रॉल करेंगे यहाँ बहुत सारी रील्स वीडियो आ जाएगी। अगर आपको यहाँ से कोई भी रील्स आपको पसंद आ जाती है और आप चाहते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये जो रील्स वीडियो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगा सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे एक शेयर का एक ऑप्शन है। अगर आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शन आएगा और यहाँ पे नीचे एक व्हाट्सएप का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं लॉक लगाया हूँ। चलिए मैं लॉक को खोल लेता हूँ। अगर यहाँ पे स्टेटस में जाएंगे और यहाँ पे सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रील्स है सिर्फ लिंक आएगा दोस्तों, आपका वीडियो डायरेक्ट नहीं आएगा। अब आपने डायरेक्ट वीडियो को कैसे यहाँ पर लगा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपसे यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ फिर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बगल में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको मार्क लगाता हूँ जिससे आपको बारीकी समझ में आए। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी लिंक, आपको इसका लिंक कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जो इसका लिंक है मेरा कॉपी हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पर दबा देना है एक बार। इस पर दबाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है फेसबुक है। चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ फेसबुक रील्स वीडियो डाउनलोड। आपको ये टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो वेबसाइट आएगी, आपको दोनों पर किसी पे क्लिक कर देना है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे एक ये वेबसाइट है और यहाँ पे एक ये वाला वेबसाइट है। मैं आपको यहाँ पे ऊपर वाला जो वेबसाइट है ये वाला मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखाऊंगा। चलिए आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर फेसबुक रील्स लिंक हेयर। आपको यहाँ पे दबा के रखना है और उसका लिंक है जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। मैं आपको मार्क लगाता हूँ जिससे आपको बारीकी समझ आए। यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन है, आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सर्चिंग करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज वेट। उसके बाद जो वीडियो है आपका फेसबुक रील्स का वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे उसका क्वालिटी दिया हुआ है, आपको HD में लेना है कि यहाँ पे 360 का जो आपको कौन सा लेना है। HD में आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे HD है 720 है और यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर एक एड आएगा और यहाँ पे एड को कट कर देना है। एड को जैसे ही कट करेंगे तो ये जो वीडियो है आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो है यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं ऊपर जो वीडियो है मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। यहाँ मैं व्हाट्सअप अपना ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं लॉक को खोल लेता हूँ। लॉक को खोलने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस वाले में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो फेसबुक रील्स वीडियो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको उस पर एक बार दबा देना है।
ऊपर दबाने के बाद आपको जो वीडियो है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सेंड का एक ऑप्शन हुआ है, आपको सेंड पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो स्टेटस है यहाँ पे लग रहा है, आपको एक दो सेकंड वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, चलिए मैं इसको डाउनलोड होने देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, चलिए देख सकते हैं मैं यहाँ पे रील्स पर क्लिक अपने स्टोरी पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्टेटस में लग गया दोस्तों। तो गाइस इस तरह से आप भी अपने फेसबुक रील्स का वीडियो अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा सकते हैं दोस्तों। सो गाइस ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।